मैं जानती हूँ कंगना बेटा, तू प्रियम से और प्रियम तुझसे अभी भी तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, है ना बेटा, है ना? मैं एक काम करती हूँ, मैं इस शादी को अभी और इसी वक्त रोक देती हूँ। सबको कह दूंगी कि मेरी कंगना सिर्फ प्रियम के लिए बनी है और किसी के लिए नहीं। किसी का दिल टूटे ना तो टूट जाने दो बेटा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों की परवाह है मुझे और किसी की नहीं। मैं नहीं जा रही, और अब प्रियम मेरी परवाह नहीं करता माँ, नहीं करता वो मेरी परवाह। प्रियम मुझसे प्यार नहीं नफरत करता है, और इतनी नफरत की वो मुझसे प्रियम के लिए कंगना मर चुकी है, मर चुकी है। और कंगना के लिए प्रियम, वो तो जिंदा है ना बेटा? ना बेटा, ना ना, कंगना इस तरह रोते नहीं। सच सच बता, अपने दिल में झांक कर बता बेटा, तू प्रियम से अभी भी प्यार करती है ना? ऑफ कोर्स। आवा अंदर आ। थैंक्स आंटी। और आंटी आपने ये क्या सवाल किया? कंगना ऑफ कोर्स मुझसे प्यार करती है, और यही प्यार देखने मेरे डैड सीधे यूएस से इंडिया आए, और वो अपनी बहू से मिलने के लिए बेताब है। तो अगर प्यारी सासू जी आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी कंगना को अपने डैड से मिलाना चाहता, क्या मैं ले जा सकता हूँ? नहीं निवान, मेरा मतलब है हाँ। जाओ बेटा, निवान के पिताजी आए हैं, मिलाओ। कि कंगना को क्या हुआ? ममता को अपना हथियार बनाकर वो सब कुछ हासिल कर गए जो कंगना से दुश्मनी करके नहीं मिल रहा था। अब देखना, सब कुछ सही हो रहा है, इसी रास्ते पर तुझे भी चलना होगा रॉक्सिमा। सबसे मीठा बनकर रहना, फिर देखना हर तरफ सिर्फ तेरा राज होगा, तेरा। माँ सच कहो तो मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाती हूँ जैसे आप कर पाते हैं, और वैसे भी आजकल मैं देख रही हूँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कंगना के दिल में प्रियम बसा है। लेकिन प्रियम के दिल में कंगना नहीं, और अगर होगा भी तो हम है ना मिटा देंगे कंगना का नाम प्रियम के दिलो दिमाग से। नई लाइफ शुरू करने के लिए कंग्रेचुलेशंस। वैसे प्रियम, ये जो सारे रिश्ते हैं ना, वो ऊपर वाला ही बनाता है। और देखो ना, तुम्हें अपनी जन्म जन्म की साथी मिल ही गई। रोक्तिमा ने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। और बेटा, विपाशा को अपना जीवन साथी बनाकर ये जो तुमने फैसला लिया ना, बिल्कुल सही और सच्चा फैसला लिया बेटा। बहुत अच्छी लड़की है विपाशा, है ना? और हाँ प्रियम, विपाशा को जिंदगी भर की खुशियां देने की जिम्मेदारी तुम्हारी। चुप रोक्तिमा, प्रियम विपाशा को अपना जीवन साथी बना चुका है। अब तो प्रियम के दिल में सिर्फ विपाशा है, कंगना नहीं। वो जो है ना, वो रिश्ते बनाता है, जोड़ता है, तोड़ता है। Anyways, hope for the best. ऐसे नहीं कहते बेटा, सब ठीक होगा।
में जाना होगा। हाँ हम भी आ रहे हैं। गया। क्यों रोकते माँ? देखा? सीख रही हूँ माँ। मैं भी प्यार दिखाकर अपना राज कायम करूंगी। शाबाश। Out of the world, outstanding, mind-blowing, perfect, done. तूने प्रूव कर दिया कि तू मेरा ही बेटा है। Thanks, Dad. Thank you so much. हीरा ढूंढा है तूने अपने लिए, हीरा। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ, मुझे कंगना से जरूर एक शिकायत है। बेटा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें मेरे स्टूपिड बेटे में क्या पसंद आया? Dad. आप मेरी शादी की बात करने आए हैं या फिर तोड़ने आए हैं रिश्ता? क्या कर रहे हैं आप? अरे पगले, तेरी ये बात तो ऊपर वाले के दरबार से पक्की होकर आई है। इसे मैं तोड़ने या जोड़ने वाला कौन होता हूँ? हाँ? Thanks, Dad. बेटा, एक बात कहूँ? ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। शोहरत, इज्जत, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ियां, बस हमारी जिंदगी हमारे घर की आत्मा नहीं है। निवान की मां के जाने के बाद हम दोनों बाप बेटे एक अधूरी जिंदगी जी रहे थे, पर अब तुम्हारे आने के बाद हम सही मायने में जिंदगी अब जिएंगे। क्यों? सही मायने में। देख भाई, बहू के घर आने के बाद मैं तो सुधर ही जाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी तेरे लिए ज्यादा है, क्योंकि अब तेरे कान खींचने वाला भी कोई आ ही गया। क्यों? Yes, Dad. चमत्कार, लगता है कि आपके कान खींचने वाले भी कोई हाथ होने चाहिए। हाँ, ओहो, मैं मर जावा। अगर वो कान खींचने वाले हाथ आपके हो तो मैं इतनी शरारत करूंगा कि आपके हाथ मेरे कानों से हटे ही ना। क्यों जी? क्या बात है जी, आप लोगों के यहाँ आंखें बंद करके खाने का रिवाज है क्या? अजी, खाना खा कौन रहा है, मैं तो जी रहा हूं। वाह, टिपिकल इंडियन हाथों से बना हुआ इंडियन खाना। इतना स्वाद है कि जी करता है कि अपनी नहीं बनाने वाले की उंगलियां भी चूम लूं। ओए होए, यहाँ की तो हर चीज टिपिकल इंडियन है। ये ब्यूटी भी और ब्यूटी की अदा भी। ये देखिए, ये है टिपिकल इंडियन फ्लेवर। आप जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में जब लड़का और लड़की एक रिश्ते में बन जाते हैं तो दोनों एक ही प्लेट से खाना खाते हैं। रियली? अरे तो फिर हमें भी अपना रिश्ता जल्दी से तय करना होगा ना। यू नो व्हाट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। नो सीरियसली,
डैड है ना, हमेशा कहते कि निवान तेरा दिल तो कोई अप्सरा लेके जाएगी, और मैं मानता नहीं था। स्टूपिड मी। प्रियम थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मुझे इस दिन का कब से इंतजार था, तुमने मेरा सपना सच कर दिया। कंगना, कैन यू जस्ट पास मी द ग्लास ऑफ वाटर? जल्दी, कुछ फंस गया गले में। पानी तो आपको आपके हाथ से ही पिलाना पड़ेगा, ये प्यास तो ऐसे ही बुझेगी। Don't worry. सिर्फ ग्लास टूटा, दिल नहीं टूटा। वैसे दिल तोड़ने में ज्यादा मजा आता। ये प्रियम क्या बोल रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। निवान की मॉम, She was amazing. आप लोग जानते हैं हम कैसे मिले? कैसे? वो ऐसे जी कि मैं एक बार रोड क्रॉस कर रहा था, मैं यहां से आ रहा था और वो इधर से आ रहा था। हम दोनों टकरा गए, नजरें मिली और लव स्टोरी शुरू। वाओ, दैट्स सो फिल्मी। फिर क्या हुआ? लेकिन किसी फिल्मी कहानी की तरह हमारी मंजिल भी आसान नहीं। एक्चुअली उस वक्त मैं एक मामूली सा काम करने वाला इंसान था, गरीब कह सकते हैं। बस इसी बात को लेकर निवान की मां के परिवार वाले हमारी शादी के सख्त खिलाफ थे। कितना लड़ना पड़ा था हमको दुनिया से भी और अपनों से भी, पर उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हमेशा मेरा हाथ थामे रखा। बस फिर क्या था? हैप्पी एंडिंग। हम तो एक हो गए। वो तो होना ही था अंकल, पता है क्यों? क्योंकि आपको सच्चा प्यार जो मिला। या और लड़की का काबिल होना बहुत जरूरी होता है, होता है ना? या अंकल, लेकिन लड़का भी आप जैसा काबिल होना चाहिए, है ना? आपने भी तो आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ा, वरना आजकल सच्चा प्यार मिलता कहाँ है? सच। मैं अभी आती हूँ, एक्सक्यूज मी। तो मैं कह रहा था कि निवान की मां के जाने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां, सूजी, रीटा, टीना, सिंडी, पर इन सब में से सिंडी वाज अमेजिंग। क्या बताऊं उसके बारे में मैं? वो तो डैड, आपका फिर से वही गर्ल म्यूजिक शुरू हो गया एज यूजुअल। आई नो व्हाट टू डू। मैं अपना म्यूजिक सुनता। जलता है तू मुझसे? हाँ, जलता है मुझसे। यार राइट। हाँ, इतना इंटरेस्टिंग किस्सा बता दो तो। ये म्यूजिक सुन रहा है? डैड, नया गाना है। प्लीज, नया गाना है। ये सब कंगना क्या कर रही हूँ?
महसूस होता है तुम्हें? लेकिन मजा बहुत आया। कमाल है दादा, इसका मतलब आपकी लाइफ में तो रोमांस की कमी ही नहीं रही। रोमांस? वो क्या होता है? मैंने नहीं किया आज तक। उमा चमत्कार, झूठ, एकदम झूठ का था। अरे लड़कियों की इतनी लंबी लिस्ट है लाइफ में, फिर कहते हैं रोमांस नहीं किया, छे मिथ्या कथा। क्योंकि उस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं था। प्रियम कहाँ चला गया? हाँ, और कंगना भी नहीं आई ना? उन्हें नहीं पता कि वो कितने इम्पोर्टेंट लव एक्सपीरियंसेस मिस कर रहे हैं, वो भी टॉप के लव गुरु से। आ जा। थैंक यू सन, थैंक यू। मैं जाके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो बिपाशा। वैसे भी मैं ये सारी चीजें हजारों बार सुन चुका हूँ बचपन से। आप इनको सुनाइए, मैं तब तक चेक करके आता हूँ। तुम्हें कैसे दर्द हो सकता है कंगना? तुम्हें कैसे दर्द हो सकता है? क्योंकि तुम दूसरों को दर्द देती हो कंगना। मैं दर्द दे रही हूँ तुम्हें? आज से, अभी से मैं तुम्हें दर्द दूंगा। क्यों, क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? हमेशा हमेशा देखता रहा तुम्हें, याद करता रहा, महसूस करता रहा तुम्हें। मैं महसूस करता रहा। 14 साल से मैंने तुमसे प्यार किया है कंगना, 14 साल से, लेकिन तुम नहीं। अब नहीं, अब नहीं कंगना, अब नहीं। तुम भी वही दर्द महसूस करोगी जो मैं महसूस करता था और करता हूं। देने वाला दर्द को महसूस कैसे कर सकता है? हर बार मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार मेरे दिल को चोट पहुंचाई। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास आती रही बार बार, लेकिन बार बार तुमने मेरे दिल को दुख पहुंचाया। मैंने तुम्हें नहीं दिया, दर्द तो तुमने मुझे दिया। सच? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम मुझे उस प्यार का वास्ता दे रही हो? उस प्यार का? क्योंकि तुमने मेरे प्यार को हरा दिया प्रियो। लेकिन तुम क्या समझोगे? समझाओ मुझे फिर, समझाओ कंगना, प्यार क्या होता है? कंगना टीच मी, प्यार क्या होता है? प्रियम के साथ प्यार करना और निवान के साथ शादी करना, ये प्यार होता है, ये प्यार होता है कंगना, हाँ ये प्यार होता है। लेकिन याद रखना तुम, याद रखना कंगना, जो खेल तुमने मेरे साथ खेला है, मैं तुम्हें निवान के साथ खेलने नहीं दूंगा। हरगिज़ नहीं खेलने दूंगा मैं उसके साथ।